नमस्कार दोस्तों, देव ऑनलाइन हेल्प में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, सप्लीमेंट्री एटीकेटी एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के, जो रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट है उनके लिए। तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन जीवाजी की तरफ से आया है इस फॉर्म में। मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ से अप्लाई आपको करना है, और इसके लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी जो एटीकेटी फॉर्म के लिए। तो यदि आपकी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में सप्लीमेंट्री है, तो अब आप काफी समय से वेट कर रहे थे, तो इसकी डेट आ चुकी है दोस्तों। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम आपको जीवाजी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख लें, विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक पद्धति के स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी होम साइंस प्रथम एवं द्वितीय वर्ष नियमित एवं असंस्थागत छात्रों के लिए, यानी कि जो रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, हेतु पूरक परीक्षा माह सितंबर अक्टूबर नवंबर 2019 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथियां निम्नानुसार घोषित की गई हैं। तो आप देख सकते हैं, परीक्षा आवेदन पत्र नियमित शुल्क के साथ प्रारंभ होने की तिथि 16 नवंबर 2019, यानी कि जो आपके जो परीक्षा फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरे होना, वो कल 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। जो नोटिफिकेशन आया है वो कल की डेट में आया था दोस्तों। तो इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, परीक्षा आवेदन पत्र नियमित शुल्क के साथ महाविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 21 नवंबर तक है दोस्तों। यहाँ पर आप 21 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, जो सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट हैं और जो एटीकेटी वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको, और जो 3 नंबर पर लिखा हुआ है, परीक्षा आवेदन पत्र विलंब शुल्क ₹500 के साथ महाविद्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2019 तक है। यदि आप ₹500 लेट फीस के साथ जमा करते हैं, तो आपको 23 तारीख तक लास्ट डेट है। इसके बाद परीक्षा आवेदन पत्र महाविद्यालय द्वारा जांच उपरांत अग्रेषित कर विश्वविद्यालय कार्यालय में भेजने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2019 है। तो यहाँ पर आपको जो वेरिफिकेशन कराना होगा डॉक्यूमेंट का कॉलेज में जाकर, उनकी जो लास्ट डेट है वो 25 तारीख तक आप वेरिफिकेशन करा लें। इसके बाद जो 5 नंबर पर जो सूचना दी गई है, परीक्षा आवेदन पत्र विलंब शुल्क ₹1,000 के साथ महाविद्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, तो परीक्षा प्रारंभ होने के 5 दिवस पूर्व तक आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, लेकिन इसके लिए आपको ₹1,000 शुल्क पे करना होगा एक्स्ट्रा। इसके बाद जो 6 नंबर पर एक नोटिस दिया है, परीक्षा आवेदन पत्र ₹1,000 विलंब शुल्क सहित महाविद्यालय द्वारा जांच उपरांत अग्रेषित कर विश्वविद्यालय कार्यालय में भेजने की अंतिम तिथि परीक्षा प्रारंभ होने से 3 दिवस पूर्व। तो और अब आपको नीचे में शुल्क दिखा देता हूँ, परीक्षा शुल्क कितना रहेगा। तो परीक्षार्थियों से निम्न अनुसार शुल्क लिया जाना है, परीक्षा का नाम बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी होम साइंस प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, पूरक परीक्षा शुल्क यानी कि जो एटीकेटी और सप्लीमेंट्री वाले हैं, प्रति विषय आपको ₹820 पे करना होगा, और जो पोर्टल चार्ज वगैरह होगा वो अलग से। इसके बाद महाविद्यालय के परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पर कुछ नोटिस अलग से दिया है, उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क नियमित परीक्षार्थी ₹60 और जो भूतपूर्व और पूरक परीक्षार्थी ₹80 एवं अग्रेषण शुल्क ₹50 तथा परीक्षा संचालन शुल्क ₹250 प्रति परीक्षार्थी लिया जाना है, जिसमें से नियमित परीक्षार्थी ₹145 तथा भूतपूर्व पूरक परीक्षार्थी ₹165 की राशि परीक्षा शुल्क के साथ जोड़कर परीक्षा परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन जमा की जाएगी तथा शेष अग्रेषण शुल्क एवं परीक्षा संचालन शुल्क की राशि ₹215 प्रति छात्र संबंधित महाविद्यालय द्वारा परीक्षार्थी से महाविद्यालय में जमा कराई जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको लिखा हुआ है रेड कलर में, आप देख सकते हैं, या येलो ग्राउंड में, परीक्षा के आवेदन पत्र एवं चालान ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिन्हें आप एमपी ऑनलाइन की G2G लॉगिन आईडी से महाविद्यालय अप्रूव के उपरांत डाउनलोड कर परीक्षा शुल्क एमपी ऑनलाइन में किसी भी सेंटर में जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नोट दिया गया है एक सबसे नीचे, परीक्षा आवेदन ऑनलाइन होने के पश्चात तत्काल प्रभाव से समस्त छात्रों के आंतरिक परीक्षा के अंक ऑनलाइन अवश्य करें,
आंतरिक परीक्षा में के अंक ऑनलाइन न होने की स्थिति में छात्र का प्रवेश पत्र ऑनलाइन अपडेट नहीं किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। जिन छात्र छात्राओं के परीक्षा के परिणाम विथहेल्ड WH है, परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात 3 दिवस के अंदर बिना विलंब शुल्क के परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे। विशेष नोट, विश्वविद्यालय द्वारा विलंब शुल्क के साथ निर्धारित अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने सारा नोटिफिकेशन देख लिया होगा। अब आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या जरूरत पड़ेगी और आपको क्या कराना होगा, इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो चलिए हम आपको गूगल पर ले चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा जीवाजी डॉट एमपी ऑनलाइन डॉट जीओवी डॉट इन। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा दोस्तों। तो चलिए हम सर्च कर लेते हैं इसे। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है। तो चलिए हम स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ सर्विसेज दी गई हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। आपको जाना है यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर और प्राइवेट, यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ATKT X रेगुलर प्राइवेट। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है, एग्जाम फॉर्म और ATKT X पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। जो भी आपका एनरोलमेंट है, रोल नंबर है, वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हमारे पास एक है, हम डाल के देख लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे अपना स्टेटस सेलेक्ट करना होगा। आप ATKT हैं या सप्लीमेंट्री वाले हैं, तो सप्ली वाले हैं तो सप्ली सिलेक्ट कर लें, ATKT वाले ATKT सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको अपना सेमेस्टर जो है वो सिलेक्ट करना होगा यहाँ पर। तो चलिए अभी तो सप्ली सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, जो भी है अभी फर्स्ट ईयर ही यहाँ शो कर रहा है, कल से यहाँ पर सेकेंड ईयर भी लगभग शो करने लग गया, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो एग्जाम है मार्च 2019, वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप जैसे ही शो डिटेल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक मैसेज शो करेगा, छात्र के द्वारा एग्जाम फॉर्म भरने के पूर्व एग्जाम फॉर्म पर प्रदर्शित हो रहा है सब्जेक्ट डिटेल फीस डिटेल का सत्यापन सही रूप से कर लें। यदि कोई जानकारी गलत है तो विश्वविद्यालय से संपर्क कर जानकारी सही करा लें। फॉर्म भरने के पश्चात यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो छात्र से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नंबर 2, छात्र के द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने के पश्चात परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी संबंधित कॉलेज में जमा करके वेरिफिकेशन तुरंत कराएं। संबंधित कॉलेज उस एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी को विश्वविद्यालय में जमा करके अप्रूव तुरंत कराएं। जब तक विश्वविद्यालय के द्वारा एग्जाम फॉर्म का अप्रूवल नहीं होगा, तब तक छात्र के एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होंगे, जिसके लिए स्टूडेंट तथा कॉलेज स्वयं जिम्मेदार होंगे। छात्र भुगतान के बाद अपनी पूरी डिटेल्स चेक कर ले, अगर कोई त्रुटि है तो कॉलेज जाकर फॉर्म संशोधन कराए। सभी कॉलेज यह सुनिश्चित कर लें कि एग्जाम फॉर्म में भरी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है, फिर उसके बाद एग्जाम फॉर्म सत्यापित अप्रूव करें। तो यहाँ पर दोस्तों, यदि अभी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं खुल रहा है, तो यहाँ पर आपका जैसे ही रिकॉर्ड खुल जाता है, तो आप अप्लाई कर पाओगे इस फॉर्म एग्जाम फॉर्म के लिए, ATKT या सप्लीमेंट्री वाले के लिए। यदि नहीं खुलता है, तो आपको कॉलेज जाकर, जो भी संबंधित महाविद्यालय है वहां पर आपको जो ऑपरेटर्स होते हैं उनसे जाके फॉर्म अप्रूव करा लेना है। वहां पर आपको एनरोलमेंट या रोल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। अप्रूव होने के बाद आप इस फॉर्म को भर पाओगे, और फॉर्म भरने के बाद आप अपनी फीस डिटेल या सारी डिटेल्स देख लें। इसके बाद कॉलेज में वेरिफिकेशन करा लें डॉक्यूमेंट का। इसके बाद आपके जो लगभग एडमिट कार्ड है वो जल्दी अपडेट किए जाएंगे। तो जैसे ही अपडेट किए जाएंगे, हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे, और अब आपको जो फॉर्म स्टार्ट है वो कल से हो जाएंगे, तो हम आपको फॉर्म भी भर के दिखाएंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, और यदि आपने अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।